नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS News। उत्तराखंड में हल्द्वानी क्षेत्र में एक अवैध रूप से बने मदरसे को हटाने गई निगम की टीम को हजारों की संख्या में आए अराजक तत्वों ने जमकर किया पथराव। कई पुलिस अधिकारी और पत्रकार घायल, अराजक तत्वों ने कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। अराजक तत्वों में महिलाओं ने भी जमकर की पत्थरबाजी और आगजनी। गोलियां भी चलाई गई, तलवार से भी मारने का हुआ प्रयास। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू। अराजक तत्वों को देखते ही गोली मारने के आदेश। सीएम धामी के आदेश बख्शे नहीं जाएंगे अराजक तत्व। हल्द्वानी के थाना बनभूलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे एवं नमाज स्थल को आज नगर निगम की टीम ने जेसीबी मशीन लगाकर ध्वस्त कर दिया। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, SDM परितोष वर्मा समेत नगर निगम की बड़ी संख्या में टीम मौजूद रही, जहां पर अवैध मदरसे एवं नमाज स्थल को जेसीबी लगाकर ध्वस्त किया गया। तो इस कार्यवाही के दौरान मलिक के बगीचे के आसपास के रहने वाले तमाम अराजक तत्वों ने पुलिस प्रशासन और पत्रकारों के ऊपर जमकर पथराव कर दिया और गाड़ियों में आग लगा दी। अराजक तत्वों में महिलाओं के हाथ में पत्थर और अवैध हथियार भी दिखाई दिए, जिसमें कई पुलिसकर्मी और पत्रकार घायल हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने अराजक तत्वों से बलपूर्वक कार्यवाही की गई। दंगे को देख इस दौरान SSP नैनीताल प्रहलाद मीना, थाना बनभूलपुरा SO नीरज भाकुनी, SO मुखानी, SO प्रमोद पाठक, कालाढूंगी SO नंदन सिंह रावत समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया, अवैध मदरसे से एवं नमाज वाले जगह पूरी तरह अवैध है, जिसके पास एक 3 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने कब्जा पूर्व में ले लिया था, लेकिन अवैध मदरसे एवं नमाज स्थल को सील कर दिया था और अब इसे आज ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पथराव करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। हल्द्वानी में नगर निगम और प्रशासन द्वारा भारी फोर्स के साथ इंदिरा नगर क्षेत्र के अवैध मदरसे और नमाज स्थल को JCB से तोड़ा। इस दौरान वहां मौजूद मुस्लिम महिलाओं और युवकों ने विरोध प्रदर्शन किया। उग्र हुई भीड़ ने पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम पर पथराव किया। इस पथराव में SDM सहित कई पुलिसकर्मी और निगम कर्मचारी घायल हुए हैं। सूत्रों के अनुसार दंगे को देख पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है और अराजक तत्वों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। किसी भी अराजक तत्वों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। ये देखो पत्थर आने लगे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। पत्थर आगे ध्यान रखना। अच्छा नहीं लगता ना यार, कोई हमें यार खुशी नहीं है। तुम हमारे भाई लोगों को बात नहीं है।